हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी लेक्चर। मैं चले फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए महामैराथन आपका वीडियो है फ्रेंड्स, जिसमें आपके 350+ मार्क्स आपके पक्के होने वाले हैं। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो आपका प्रश्न नंबर पहला दिया है कि परमाणु के नाभिक में होते हैं, जो आपका परमाणु का नाभिक होता है फ्रेंड न्यूक्लियस होता है, तो इसमें क्या होता है? तो देखिए, ऑप्शन दिया केवल प्रोटॉन, बी ऑप्शन दिया प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, सी ऑप्शन दिया न्यूट्रॉन, डी ऑप्शन दिया प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन। जो आपका न्यूक्लियस होता है फ्रेंड, न्यूक्लियस में आपका होता है फ्रेंड प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। देखिए, जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका पहला दिया है फ्रेंड्स, इसका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। अब देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर दूसरा, देखिए जो आपका प्रश्न नंबर दूसरा दिया है फ्रेंड्स कि परमाणु को सर्वप्रथम किसने विभाजित किया। तो देखिए, ए ऑप्शन दिया डाल्टन, बी ऑप्शन दिया जे.जे. थॉमसन, सी ऑप्शन दिया बेकेरल, डी ऑप्शन दिया थॉमस ग्राहम। देखिए, जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका दूसरा दिया है फ्रेंड्स, इसका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, बेकेरल। अब देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर तीसरा, परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या कहलाती है। तो देखिए, ए ऑप्शन दिया द्रव्यमान संख्या, बी ऑप्शन दिया परमाणु संख्या, सी ऑप्शन दिया परमाणु भार, डी ऑप्शन दिया तुल्यांकी भार। तो परमाणु के नाभिक में जो आपका प्रोटॉन और प्लस में जो आपका न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है फ्रेंड्स, वो आपका द्रव्यमान संख्या कहलाती है, ए कहलाता है द्रव्यमान संख्या। देखिए, जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका तीसरा दिया है फ्रेंड्स, इसका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। देखिए, जो इसमें आपका रिलेशन होता है फ्रेंड्स, वो आपका होता है ए बराबर जेड प्लस एन होता है। देखिए, जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वो आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या और परमाणु क्रमांक जेड के बराबर होता है, तो ए बराबर जेड प्लस एन। देखिए, जो आपका प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है? द्रव्यमान संख्या के बराबर होता है, तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर चौथा, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 19 तथा परमाणु भार 39 है, उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या यन का मान हमको बताना है कि क्या हुआ। तो देखिए, ए ऑप्शन दिया 19 और बी ऑप्शन दिया 20 और सी ऑप्शन दिया 39, डी ऑप्शन दिया 58। देखिए फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि ए बराबर होता है फ्रेंड्स जेड प्लस यन। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से परमाणु क्रमांक कितना दिया है? 19, यानी कि जेड का मान दे दिया है फ्रेंड्स 19, और प्लस में यन का मान ज्ञात करना है। और देखिए भार, यहाँ देखिए परमाणु का भार दे दिया है फ्रेंड्स, वो आपका दिया है 39। देखिए, जब यन का मान ज्ञात करेंगे, यन का मान, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 39 माइनस 19। अब देखिए फ्रेंड, जब इसको माइनस करेंगे तो 9 में से 9 घटाएंगे 0 हो जाएगा, 3 में से घटाएंगे तो कितना जाएगा? 2, तो 20 आ गया। देखिए, जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका चौथा दिया है फ्रेंड्स, इसका जो आपका बी ऑप्शन दिया है आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर पाँचवा, कि एक तत्व का परमाणु भार दिया है 45 और तथा परमाणु क्रमांक दिया है 21, तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन होंगे। देखिए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमको बताना है, ई का मान इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मान हमको बताना है कितना होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ देखिए आपका ए ऑप्शन दिया 21 और 12 और बी ऑप्शन दिया 24 और 21 और सी ऑप्शन दिया 21 और 45, डी ऑप्शन दिया है 21 और 24। तो देखिए फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि ए बराबर होता है फ्रेंड्स जेड प्लस यन। यहाँ देखिए, एक तत्व का परमाणु भार दे दिया, यानी कि ए का मान कितना दे दिया है फ्रेंड्स? वो आपका दे दिया है 45। उसके बाद से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इक्वल टू में परमाणु क्रमांक का मान कितना दे दिया है? 21 और प्लस में यन, तो यन का जब मान ज्ञात करेंगे तो यन का मान कितना जाएगा? 45 में से जब 21 घटाएंगे तो एक में से देखिए 5 में जब एक घटाएंगे कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? 4 आ जाएगा। और यहाँ पर कितना बचा है फ्रेंड्स? तो आपका बचा है 4, और 4 में से 2 घटाएंगे कितना जाएगा फ्रेंड? 2, तो 24 आ गया न्यूट्रॉनों की संख्या। और उसके बाद देखिए इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन होंगे, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स प्रोटॉनों की संख्या बराबर, देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक जेड होता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं? 21 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। यहाँ पर आपका रहेगा फ्रेंड्स प्रोटॉन का जवाब आपका रहेगा फ्रेंड्स न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉनों की संख्या, ठीक है। तो 21 आपका यहाँ से हो गया इलेक्ट्रॉन, और देखिए यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या कितना है? 24, तो 21 और 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 21 और 24। देखिए, जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका पांचवा दिया है फ्रेंड्स, इसका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर सिक्स, यहाँ देखिए प्रश्न नंबर सिक्स दिया है कि निम्न में से कौन सा सत्य है। तो देखिए, ऑप्शन दिया पाई इक्वल टू एन एच अपान में 2 mvr, और बी ऑप्शन दिया पाई इक्वल टू 2 nh अपान में mvr, और सी ऑप्शन दिया पाई इक्वल टू 2 mvr अपान में nh, और डी ऑप्शन दिया पाई इक्वल टू mvr अपान में 2 nh। देखिए, जो आपका प्रश्न नंबर जो होगा सिक्स दिया है फ्रेंड्स, इसका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं फ्रेंड्स प्रश्न नंबर सेवन। देखिए फ्रेंड, जो आपका प्रश्न नंबर यहाँ पर सेवन दिया है कि न्यूट्रॉन पर आवेश होता है, तो ए ऑप्शन दिया ऋण आवेश, बी ए ऑप्शन दिया धनावेश, सी ऑप्शन दिया उदासीन, डी ऑप्शन दिया नॉन। देखिए फ्रेंड्स, जो आपका न्यूट्रॉन होता है फ्रेंड्स, वो आपका क्या होता है? उदासीन होता है, तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन आपका ऋण आवेशित होता है, प्रोटॉन आपका धनावेश होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर आठ,
परमाणु की प्रथम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। देखिए ऑप्शन दिया 1, बी ऑप्शन दिया 2, सी ऑप्शन दिया 8, बी ऑप्शन दिया 16। देखिए जो फ्रेंड जो आपका परमाणु की प्रथम कक्षा, देखिए हम जानते हैं कि कोष जो आपका होता है के एल एम और एन होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसमें आपका यस पीडीएफ आपके सबसेल होते हैं, तो यस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो आपका बी ऑप्शन दिया फ्रेंड्स ये आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 9, 92 यूरेनियम 238 में न्यूट्रॉनों की संख्या आया, तो हमको न्यूट्रॉनों की संख्या बताना है कि क्या होता है। ए ऑप्शन दिया 92, बी ऑप्शन दिया 238 और सी ऑप्शन दिया 146, डी ऑप्शन दिया 330। तो देखिए फ्रेंड्स इसको कैसे फाइंड करेंगे, हम जानते हैं कि ए बराबर जेड प्लस एन होता है। यदि आपका कोई एलिमेंट्स दिया हो तो यहाँ पर जो आपका होता है फ्रेंड्स वो आपका परमाणु क्रमांक होता है, ठीक है। और यहाँ पर आपका होता है द्रव्यमान संख्या, तो देखिए द्रव्यमान संख्या मान के दे दिया है 238 और इक्वल टू में जेड का मान दे दिया है 92 और प्लस में एन। तो जब एन का मान ज्ञात करेंगे, देखिए यहाँ से 238 में से 92 को घटा देंगे तो 8 में से 2 घटाएंगे कितना जाएगा 6, और देखिए यहाँ पर 13 में से 2 घटाएंगे कितना जाएगा 4, और यहाँ पर कितना बचेगा 146। जो आपका सी ऑप्शन दिया है फ्रेंड्स ये आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 10, CO2 अणु में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। देखिए ऑप्शन दिया 11, बी ऑप्शन दिया 22, सी ऑप्शन दिया 33, डी ऑप्शन दिया 44। देखिए आप दिया है CO2, तो हम जानते हैं फ्रेंड्स जो आपका कार्बन होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 6, और प्लस में ऑक्सीजन यहाँ पर देखिए 2 अणु दिया है तो ऑक्सीजन का होता है फ्रेंड्स 8, तो 8 गुण क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ से हो जाएगा फ्रेंड्स 6 और प्लस में 8 गुना 16, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 6 6 12 22 हो जाएगा। तो जो आपका बी ऑप्शन दिया है फ्रेंड्स ये आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 11, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है तो इसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या है। देखिए फ्रेंड्स एक तत्व है उसका मान लीजिए कि यहाँ पर परमाणु क्रमांक दे दिया है 17, तो 17 किसका होता है फ्रेंड्स क्लोरीन का होता है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स हम जानते हैं कि प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक जेड होता है, तो किसी तत्व का परमाणु क्रमांक दे दिया 17 तो उसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या भी आपका सेम ही होगा। तो जो आपका ए ऑप्शन दिया फ्रेंड्स ये आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 12, परमाणु संख्या की खोज की थी, तो ये ऑप्शन दिया चैडविक ने, बी ऑप्शन दिया मोसले ने, सी ऑप्शन दिया गोल्डस्टीन ने, डी ऑप्शन दिया रदरफोर्ड ने। देखिए फ्रेंड्स जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका 12 दिया है इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी मोसले ने। अब देखिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 13, देखिए फ्रेंड जो आपका प्रश्न नंबर 13 दिया है कि रदरफोर्ड अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के लिए किस तत्व की पन्नी, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे पन्नी का उपयोग किया, तो ये ऑप्शन दिया सोने की, बी ऑप्शन दिया चांदी की, सी ऑप्शन दिया एल्युमिनियम की, डी ऑप्शन दिया मैग्नीशियम की। देखिए जो आपका रदरफोर्ड थे वो आपका अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में सोने की पन्नी पर यूज किए थे। अब चलिए देखते हैं फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 14, देखिए फ्रेंड्स जो आपका प्रश्न नंबर 14 दिया है कि सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य की विद्युत चुंबकीय विकिरण है, तो ये ऑप्शन दिया प्रावैगिनी किरण है, बी ऑप्शन दिया रेडियो तरंग है, सी ऑप्शन दिया एक्स किरण, डी ऑप्शन दिया औरक किरण है। देखिए फ्रेंड्स जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका 14 दिया है फ्रेंड्स इसका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा रेडियो तरंग है। अब देखिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 15, न्यूट्रॉन किसे छोड़कर सभी परमाणुओं में उपस्थित होते हैं, तो ये ऑप्शन दिया हीलियम, बी ऑप्शन दिया कार्बन, सी ऑप्शन दिया हाइड्रोजन, डी ऑप्शन दिया नाइट्रोजन। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या बोला है कि न्यूट्रॉन किसे छोड़कर सभी परमाणुओं में उपस्थित होते हैं, तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स जो आपका हीलियम होता है हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, और जो कार्बन होता है फ्रेंड्स इसका 6 होता है, और नाइट्रोजन का क्या होता है फ्रेंड्स आपका 7 होता है, और जो आपका हाइड्रोजन दिया आपका 1H1 होता है, इसका परमाणु क्रमांक 1, द्रव्यमान संख्या 1 होता है, तो इसमें आपका न्यूट्रॉनों की संख्या 0 होती है, ठीक है। तो यहाँ देखिए न्यूट्रॉन किसे छोड़कर सभी परमाणु में उपस्थित होते हैं, तो हाइड्रोजन को छोड़कर हीलियम में भी कार्बन में नाइट्रोजन में आपके न्यूट्रॉन होते हैं लेकिन हाइड्रोजन में नहीं होते हैं। जो आपका प्रश्न नंबर 15 दिया है इसका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 16 कि सोडियम प्लस आयन सम इलेक्ट्रॉनिक है, देखिए हमको बताना है कि जो आपका सोडियम प्लस आयन दे दिया है, देखिए सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 281, तो देखिए जब प्लस दिया है तो यहाँ पर आपका 1 हट जाएगा तो केवल 28 हो जाएगा। तो हमको बताना है कि इसके समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा है, तो ऑप्शन दिया है लिथियम प्लस, बी ऑप्शन दिया मैग्नीशियम प्लस 2, और सी ऑप्शन दिया बैरियम प्लस 2, और डी ऑप्शन दिया कैल्शियम प्लस 2। देखिए इसका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा मैग्नीशियम प्लस 2, क्योंकि मैग्नीशियम होता है फ्रेंड 12 2 8 2, तो इस पर प्लस 2 चार्ज दे दिया है तो 2 को छोड़ देंगे तो 2 8 10 हो जाएगा, तो इसका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 17 कि परमाणु क्रमांक 15 वाले तत्व के बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो ये ऑप्शन दिया 1, बी ऑप्शन दिया 3, सी ऑप्शन दिया 5, डी ऑप्शन दिया 7। देखिए हम जानते हैं परमाणु क्रमांक 15 किसका होता है, फास्फोरस का 15 होता है, तो यहाँ देखिए इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा 285 हो जाएगा, तो बाह्य कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है 5। देखिए जो प्रश्न नंबर 17 दिया है इसका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 18 कि एक तत्व के दो समस्थानिक में कौन सा गुण भिन्न हो सकता है, तो ये ऑप्शन दिया परमाणु संख्या, बी ऑप्शन दिया इलेक्ट्रॉनों की संख्या, सी ऑप्शन द्रव्यमान संख्या, डी ऑप्शन दिया ए सभी। तो एक तत्व बोल रहा है कि एक तत्व इसके समस्थानिकों में कौन सा गुण भिन्न हो सकता है, देखिए हम जानते हैं कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं 1H1 1H2 और 1H3 होता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपका समान परमाणु क्रमांक दिया है और यहाँ पर देखिए द्रव्यमानों की संख्या है भिन्न भिन्न दे दिया है,
तो देखिए एक तत्व के दो समस्थानिक में कौन सा गुण भिन्न हो सकता है, जब इन दो को लेंगे तो यहाँ पर देखिए द्रव्यमान संख्या क्या है, भिन्न है, तो द्रव्यमान संख्या यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 19 कि प्रोटॉन पर धनावेश का मान इलेक्ट्रॉन के आवेश का होता है, तो ए ऑप्शन दिया आधा, बी ऑप्शन दिया दो गुना, सी ऑप्शन दिया समान और डी ऑप्शन दिया कोई संबंध नहीं। तो देखिए जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका 19 दिया है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, यानी कि समान होता है। अब देखिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 20, देखिए फ्रेंड्स जो आपका प्रश्न नंबर 20 दिया है यहाँ पे कि न्यूट्रॉन की खोज बहुत देर से हुई क्योंकि, देखिए ए ऑप्शन दिया न्यूट्रॉन नाभिक में उपस्थित होते हैं, बी ऑप्शन दिया न्यूट्रॉन मूल कण है, सी ऑप्शन दिया न्यूट्रॉन मूल कण है, और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर दोनों आपका ऑप्शन सेम हो गया है। और देखिए डी ऑप्शन दिया उपरोक्त सभी, देखिए जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका 20 दिया है फ्रेंड्स, इसका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, न्यूट्रॉन मूल कण है, यहाँ पर आपका रहेगा फ्रेंड न्यूट्रॉन मूल कण नहीं होता है, ठीक है, और इसका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 21, देखिए फ्रेंड्स जो आपका प्रश्न नंबर 21 दिया है कि अंतर आणविक बल नगण्य होता है, तो ए ऑप्शन दिया ठोस में, बी ऑप्शन दिया द्रव में, सी ऑप्शन दिया गैस में, डी ऑप्शन दिया इन सभी में। देखिए जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका 21 दिया है फ्रेंड्स, इसका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा गैस में, क्योंकि गैस के जो अणु होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं और ठोस के अणु जो होते हैं एकदम पास पास होते हैं और द्रव के जो अणु होते हैं ठोस की अपेक्षा थोड़ा सा दूर होते हैं। अब देखिए निम्न पदार्थ ऊर्ध्वपातज है, तो इसमें बताना है कि इसमें कौन सा आपका सब्लिमेशन है, देखिए ऑप्शन दिया सल्फर, बी ऑप्शन दिया नवसादर, सी ऑप्शन दिया बर्फ, डी ऑप्शन दिया कोयला। देखिए फ्रेंड्स जो आपका नवसादर होता है फ्रेंड्स आपका ऊर्ध्वपातज होता है, क्योंकि NH4Cl अमोनियम क्लोराइड जो होता है फ्रेंड्स इसको गर्म करने पर क्या होता है कि ये आपका सॉलिड होता है, ठोस होता है, जब इसको गर्म करते हैं तो आपका गैस में बदल जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 23 कि क्रिस्टलीय ठोस है, तो ऑप्शन दिया कांच, बी ऑप्शन दिया प्लास्टिक, सी ऑप्शन दिया रबर, डी ऑप्शन दिया शक्कर यानी कि शर्करा। देखिए जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका 23 दिया है फ्रेंड्स, इसका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, शक्कर यानी कि शर्करा C12H22O11 होता है इसका सूत्र। अब देखिए प्रश्न नंबर 24 कि निम्न में से कौन सा तत्व है, तो ऑप्शन दिया सिलिका, बी ऑप्शन दिया कांच, सी ऑप्शन दिया मैग्नीशियम, डी ऑप्शन दिया नॉन। देखिए जो आपका सिलिका होता है फ्रेंड्स SiO2 होता है, आपका कांच आपका तत्व नहीं हो सकता है, जो आपका मैग्नीशियम होता है फ्रेंड्स Mg, ये आपका क्या होता है मैग्नीशियम, ये आपका क्या होता है फ्रेंड्स आपका तत्व होता है। अब देखिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 25 फिटक्री K2SO4 Al2SO4 का होल साइज 24H2 है, तो देखिए ऑप्शन दिया क्षारीय लवण, बी ऑप्शन दिया अम्लीय लवण, सी ऑप्शन दिया उदासीन लवण, डी ऑप्शन दिया द्विक लवण यानी कि डबल साल्ट है। जो आपका प्रश्न नंबर 25 दिया फ्रेंड्स, इसका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा डबल DOUBL, जो आपका डबल सॉल्ट होता है फ्रेंड्स ये आपका फिटक्री होता है। अब देखिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 26 कि नवसादर और नमक को पृथक किया जा सकता है, तो ऑप्शन दिया क्रिस्टलन द्वारा, बी ऑप्शन दिया प्रभाजी क्रिस्टलन द्वारा, सी ऑप्शन दिया ऊर्ध्वपातन द्वारा, डी ऑप्शन दिया नॉन यानी कि इसमें से कोई नहीं। देखिए जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका 26 दिया है फ्रेंड्स, इसका सी ऑप्शन आपको राइट हो जाएगा ऊर्ध्वपातज द्वारा। अब देखिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 27 कि निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो ऑप्शन दिया कोयले का जलना, बी ऑप्शन दिया दूध का सड़ना, सी ऑप्शन दिया वाष्प का बनना, डी ऑप्शन दिया जल का निर्माण। देखिए जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका 27 दिया है फ्रेंड्स, इसका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा वाष्प का बनना। अब देखिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 28, देखिए जो आपका प्रश्न नंबर 28 दिया है कि जल में घुलनशील औषधियां इसके, ये ऑप्शन दिया क्वथनांक को कम कर देती हैं, बी ऑप्शन दिया क्वथनांक को बढ़ा देती हैं, सी ऑप्शन दिया हिमांक को बढ़ा देती हैं और डी ऑप्शन दिया हिमांक पर कोई प्रभाव नहीं डालती हैं। देखिए जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका 28 दिया है फ्रेंड्स, इसका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वथनांक को बढ़ा देती हैं। चलिए फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स मैंने आपको 28 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को बताया जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में 100% आने वाला है। यदि फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।